हमारी जो है हेलमेट की जो पैडिंग है वो बहुत गंदी हो जाती है और स्वेटिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाती है। तो हेलमेट को वॉश करना, उसकी पैडिंग को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस, गर्मियों में हम बाइकर्स के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब हमने हेलमेट पहना होता है तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग और डस्ट की वजह से जो है हमारी जो है हेलमेट की जो पैडिंग है वो बहुत गंदी हो जाती है, और स्वेटिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाती है। और जब हम ऑफ द सीज़न, जब हम विंटर में उस हेलमेट को यूज़ करते हैं, तो जब हम टूर पर जा रहे हों या हम वाइज़र को बंद करके बाइक चला रहे हों, तो हमें बहुत बुरी तरह से स्मेल आती है पैड्स में से, और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो हेलमेट को वॉश करना, उसकी पैडिंग को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, अगर आपके पास ब्रांडेड हेलमेट है लाइक मी, जैसे मेरे पास स्टड्स का निंजा 3G हेलमेट है, दिस इज़ द ब्रांडेड हेलमेट। अगर आपके पास भी ब्रांडेड हेलमेट है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप उस हेलमेट की सारी पैडिंग्स को जो है बहुत ईजीली रिमूव कर सकते हैं। वो रिमूवेबल होती हैं, वो वॉशेबल होती हैं, और आप उनको ईजीली क्लीन कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगूँ कि किस तरह से आप जो है अपने हेलमेट की पैडिंग को रिमूव कर सकते हैं, और किस तरह उसको वॉश करना है, और कैसे वापस आप उसको फिक्स कर सकते हैं। सो गाइस, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा किस तरह आपने हेलमेट को खोलना है, उसके जो स्क्रूज हैं कहाँ कहाँ से आपने उसको खोलना है, और किस तरह से ईजिली आप जो है पैडिंग को रिमूव कर सकते हैं। सो सी यू गाइस। सो गाइस, ये रहा स्टड्स का निंजा 3G, जो कि एक मॉड्यूलर हेलमेट है। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, हाफ फेस भी आपको ये बन सकता है, और आप इसको चाहें तो आप इसको फुल फेस भी बना दें। सो दिस इज़ अ मॉड्यूलर हेलमेट। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपने जो है अपने इस मेन वाइज़र को रिमूव करना है। उसको कैसे रिमूव करना है, बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी हेलमेट में आपको अगर वाइज़र को उतारना हो, समटाइम्स हम जब नाइट राइड करते हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है हेलमेट पर आगे लगते रहते हैं वाइज़र के ऊपर, वो बहुत गंदा हो जाता है। तो हमारे लिए इजी होता है कि हम जल्दी से हेलमेट के वाइज़र को जो है डिटैच करें यहाँ से, और उसको पानी से धो के क्लीन कर लें, ताकि फिर हम अपनी राइड को इजीली कंटिन्यू कर सकें। सो गाइस, सबसे पहले हमने वाइज़र को रिमूव करना है, तो लेट्स सी कि कैसे रिमूव होगा। सो गाइस, अगर आप यहाँ पे फोकस करें, वाइज़र को फुल ओपन कर लें, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको एक लॉक नज़र आ रहा है। इसको जस्ट नीचे की तरफ पुल करें और आराम से ये आपका उतर आएगा। सेम दूसरी साइड से आपने करना है, इसको आपने नीचे करना है, और ये आपका वाइज़र जो है ईजीली आपका वाइजर जो है हेलमेट से रिमूव हो गया। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप ये वाला स्क्रू देख रहे हैं बड़े वाला, इसी तरह का उस तरफ भी एक स्क्रू है। इस स्क्रू को आपने रिमूव करना है। दोनों तरफ से स्क्रूज जब रिमूव हो जाएंगे, तो उसके बाद ये बेसिकली हम अब इस मॉड्यूलर का जो ये वाला पार्ट है, हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ये जो दो स्क्रूज हैं, एक इस
ठीक है। सो गाइस ये सारी की सारी हेलमेट को मैंने जो है ओपन कर दी है, यहाँ पैडिंग्स देख सकते हैं। अभी जो है मैं इसको वॉश करने लगा हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे फोम बना दिए, जाग मैंने बना दिए है। मेक श्योर कि आप शैम्पू के साथ जाग बनाते हैं, क्योंकि अगर आप सर्फ इसमें डालेंगे तो सर्फ डालने का नुकसान ये होता है कि सर्फ की जो जाग होती है वो बहुत तेज़ होती है और फोम के अंदर घुस जाए तो वो इतने आसानी से आपसे फिर वो निकलने नहीं लगी। और दूसरा ये है कि सर्फ से धोने के बाद ये होता है कि वो वाइट कलर के स्टेन्स छोड़ देते हैं, क्योंकि ब्लैक चीज़ें हैं सारी। तो इसको आपने शैम्पू की जाग के अंदर चीज़ों को डालते जाएँ। और ये देखें ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, इसको भी डाल देते हैं, इनको अंदर डिप कर देते हैं, ये देखें, ताकि इनके ऊपर झाग लग जाए। स्पेशली फोम्स को जो है जितने भी पैडिंग थी उनको इसके अंदर हमने डिप करना है। तो अब रही बात हमारे मेन इस खोपड़ी की, स्कल की, तो इसको अभी डिप नहीं करते, पहले इनको वॉश कर लेंगे फिर इसको बाद में डिप करके वॉश कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा है तो उसके अंदर अब जगह नहीं है। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ 10 मिनट्स के लिए, नॉट मोर देन 10, क्योंकि फोम है तो पानी में पड़ा रहने की वजह से मे बी वो एक्सपेंड हो जाए। और दूसरा चीज़ आपने ठंडे पानी के अंदर इसको डिप करना है, गर्म पानी में डिप करेंगे तो जितनी भी आपकी पैडिंग्स है वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो जनाब सब कुछ मैंने वॉश कर लिया है और अभी मैंने इनको जो है धूप में रख दिया है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएँ, और फिर उसके बाद जो है मैं इसको वापस फ़िक्स कर दूँगा हेलमेट के अंदर।